नमस्कार, मैं हूं राशि जैन, आपके साथ स्वागत है आपका प्रातः दर्पण न्यूज में। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। ट्रंप का चीन में कारोबार, न्यूयॉर्क टाइम्स का खुलासा, राष्ट्रपति का चीनी बैंक में अकाउंट। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 4 करोड़ के पार, ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 3 करोड़ से ज्यादा हुई। अमेरिका में 85.19 लाख से ज्यादा संक्रमित, 2.26 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव, अगले हफ्ते भारत आएंगे अमेरिकी विदेश और रक्षा मंत्री। अमेरिका ने कहा, चुनाव से ज्यादा रिश्ते जरूरी। बाइडेन चुनाव जीता तो इकोनॉमी बड़ा चैलेंज होगा, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना होगा। पाकिस्तानी दूतावास के पास वीजा के लिए उमड़ी भीड़, भगदड़ में 12 महिलाओं की मौत। आर्मी पर आईजी को अगवा करने और नवाज के दामाद के खिलाफ जबरदस्ती FIR लिखवाने का आरोप। पाकिस्तानी फौज और रेंजर्स ने 2 दिन पहले नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन सफदर अवान को कराची के होटल से गिरफ्तार किया था। शांति वार्ता के बीच तालिबान का हमला, अफगानिस्तान के 47 सुरक्षा बलों की जान गई। अफगानिस्तान और तालिबान के बीच 19 साल से जारी कोल्ड वॉर खत्म करने के लिए दोहा में शांति वार्ता चल रही है। चीन में अमेरिकी राजनयिकों को रहस्यमय बीमारी, किसी की याददाश्त जा रही है तो किसी की नाक से खून बह रहा है। पाकिस्तान ने 10 दिन में ही टिकटॉक से रोक हटाया, बीते 2 साल में यहां 8 लाख वेबसाइट बैन हुई। साल भर में फ्रीज में रखा नूडल सूप पीने से चीन में एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत, जहर बन गया था कॉर्नफ्लोर। बेटी की शादी में 500 करोड़ खर्च करने वाले लक्ष्मी मित्तल के भाई प्रमोद पर 24,000 करोड़ का कर्ज। 70 साल की बाज कमांडर आयशा अपनी घाटी बचाने तालिबान से लड़ी। कराची की 2 मंजिला इमारत में ब्लास्ट से 5 लोगों की मौत, एक ही इलाके में 24 घंटे में दूसरा धमाका। भारत और ताइवान के बीच ट्रेड वार्ता शुरू हो सकती है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा, दुनिया में केवल एक ही चीन है और ताइवान इसका अभिन्न हिस्सा है। नोवल ड्रिल को लेकर चीन को संदेह, ऑस्ट्रेलिया को मालाबार ड्रिल में शामिल किए जाने का चीन ने संज्ञान लिया। केंद्र चाहे तो मुझे बर्खास्त कर दे, मैं डरने वाला नहीं, 2 बार पहले भी दे चुका हूँ इस्तीफा, अमरिंदर सिंह। पंजाब में 69,000 किसानों को बड़ी राहत, सरकार ने 61.49 करोड़ रुपए ब्याज राशि माफ की। चुनाव आयोग का राजनीतिक दलों को निर्देश, कोरोना संबंधी नियमों का सख्ती से करे पालन। कोलकाता पर कहर बनकर टूटे मोहम्मद सिराज, RCB ने 8 विकेट से जीता मैच। 30 लाख सरकारी कर्मचारियों को दिवाली बोनस का तोहफा, कैबिनेट ने दी मंजूरी। योगी की सभा पर भारी पड़ा चिराग का पालीगंज का रोड शो, उमड़ा लोगों का हुजूर। योगी बोले, अनुच्छेद 370 का मतलब कश्मीर में संपत्ति खरीदने का लाइसेंस। जदयू की रैली में लगे लालू जिंदाबाद के नारे, भड़के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। 30 किसान संगठनों की बैठक में बड़ा फैसला, मालगाड़ियों के लिए पंजाब में खाली करेंगे रेलवे ट्रैक। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा, प्रदूषण के लिए दिल्ली खुद जिम्मेदार, रिपोर्ट में हो चुका खुलासा। सीमा विवाद के बीच दशहरे पर सिक्किम जा सकते हैं रक्षा मंत्री, सैनिकों का बढ़ाएंगे मनोबल। PM मोदी ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से की बात, द्विपक्षीय सहयोग में तेजी लाने पर सहमति। फारूक अब्दुल्ला ED दफ्तर से बाहर निकले, जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ घोटाले को लेकर हुई पूछताछ। महाराष्ट्र में जांच के लिए CBI को लेनी होगी राज्य सरकार से अनुमति, ठाकरे सरकार ने खत्म की आम सहमति। कंगना ने साझा किया भाई की शादी का वीडियो, भाभी के लिए लिखा, आज एक घर सूना हो गया, कन्यादान से बढ़कर कोई दान नहीं। हार्दिक पांड्या के साथ नताशा स्टेनकोविक ने साझा की पुरानी यादें। अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब को लेकर हुआ बवाल। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को संजय दत्त ने 2 महीने में दी मात, फैंस बोले आपके लिए खुश हैं। तो दर्शकों, ये थी हमारी आज की खास खबरें, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए प्रातः दर्पण न्यूज चैनल। नमस्कार।